गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह का नज़ारा देख लो, द्रास का माउंटेन व्यू, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ पे। हम लोग इस होटल में बैठा था, ये वाला होटल में। ये होटल का नाम कुछ इस प्रकार से है, ये डी मीडियो लद्दाख द्रास, ये वाला होटल है। ये होटल अच्छा है क्योंकि पार्किंग स्पेस काफ़ी बड़ा है, ये होटल भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। एक दिन का पड़ा हमको, वैसे तो बोल रहा था 3,000 एक पर रूम का, फिर हम लोगों ने ऐसा वैसे डिस्काउंट कर कर के फिर हमको मिल गया 2500 रुपये, एक रूम का 2500 रुपये मिल गया। अभी हम लोग थोड़ा बाइक का वो क्या बोलते हैं, चेन बहुत गंदा हो गया ना, चेन को साफ कर रहा हूँ अभी। ये चेन बहुत ही गंदा हो गया था, अभी चेन को साफ करेंगे, फिर इसके बाद लगेज को पैक करेंगे, फिर निकल जाएंगे। फिर चेन साफ करते हो। हाँ यार, एक चीज बोलना भूल गया यार कसम से। कल रात हमारा दो बंदा गुम हो गया था ना, वो दो बंदा इसी होटल में बैठा था यार, आज सुबह वो मिला था। हम लोगों ने कांटेक्ट किया था ना व्हाट्सएप पे, वो बोला हम लोग इस होटल में बैठा है, क्योंकि हमारा क्योंकि सिम काम नहीं कर रहा ना, जब जम्मू एंट्री करता है तो सिम अब काम भी नहीं करता है, तो मजबूरी क्या करना पड़ेगा, फिर वाईफाई होटल तो लेना ही पड़ा फिर। इसलिए भाई ये बंदा दो गुम हो गया, ये है बंदा, भाई बताओ भाई कहाँ गुम हो गया यार कसम से। हम तो आधा घंटा से वेट करके परेशान हो गया। सीआरपीएफ जवान को बोला था दो बंदा आएगा और डल लेक के सामने आने के लिए बोला था। हम लोग पहले आप बता दो भाई, हम लोग पहले आ गया, पहले आ गया था जब माल है यार हम लेकिन हम लोग खाना नहीं खाया भाई क्या करेगा यार भाई इसका क्या सामान पूरा गुम हो गया, ऊपर लिया पूरा छलांग लगा के चलो ठीक है यार, भगवान हमें साथ दे रहे हैं, तभी तो आपको मिलने का मौका भी मिल गया। चलो अभी बाइक को इस प्रकार से साफ कर देते हैं, क्योंकि चेन बहुत ज़रूरी है साफ करना, चेन क्योंकि चेन में पूरा धूल, क्योंकि रास्ते में पूरा धूल था ना कंकर मिट्टी पत्थर पूरा इसमें चल गया है, तो चेन बहुत ज़रूरी है, चेन साफ करना। तो ये गाइस बता दो यार कसम से, हम तो परेशान हो गया यार, कल आधा घंटा पूरा वेट करके डल लेक में वीडियो भी बनाया, वेट किया डल लेक में, चाय चुय पिया, फिर भी नहीं आ रहा। तब ये बंदा मेरा दोस्त ने बोला चलो ठीक है निकलते हैं, फिर उधर ही मिल जाएगा शायद, मिल गया तो ले लद्दाख भी मिल जाएगा, लेकिन इस होटल में मिला हमें पता नहीं चला, आज सुबह पता चला ये लोग इस होटल में बैठा हुआ था। चलो ठीक है, हम अभी चेन साफ करते हैं फिर यहाँ से निकल जाते हैं ले लद्दाख। तो ठीक है फिर ब्रेकफास्ट करेंगे करगिल में, हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो करगिल से ब्रेकफास्ट। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वार मेमोरियल। हाँ वार मेमोरियल यहाँ से 7 किलोमीटर है, वार मेमोरियल आपको दिखाऊंगा घुमाऊंगा और दराज का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगा। हाँ बोलिए, हमारा बहादुर जवान शहीद हुआ है उसी को वार मेमोरियल। और कुछ बोलना चाह रहे हैं? शहीदों को हम सम्मान देंगे, शहीदों को सम्मान देंगे, क्योंकि करगिल 99 ऑपरेशन वॉर में विजय प्राप्त किया हुआ है, तो हम वॉर मेमोरियल जाना तो बनता है। ठीक है, फ्लूट मारने जाएंगे। कुछ बोलना चाह रहे हो? हमारा 5 बंदा शहीद हो गया था, हमारा करगिल वॉर में 5 बंदा शहीद हो गया, तो शायद उसका नाम भी है मेरे ख्याल से, तो उसका भी हम अगर मिल गया तो हम इसको वीडियो में कैप्चर कर लेंगे।
वार मेमोरियल पे। ओके, तो वीडियो अगला वीडियो हम मिलेंगे फिर करगिल पे, हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, इसके बाद करगिल से रवाना हो जाएंगे। ओके, अब ये जो हमारा रूम है, कल तो यार इतना बारिश गिरा यार, दराज पहुंचने वाला था, कितना किलोमीटर था, 5 किलोमीटर, बाप रे, इतना तेज बारिश, वो भी तूफान के साथ, हालत ख़राब हो गया, पूरा बिक गया। अभी यहाँ के एक होटल, दराज तो पहुंच गया, अभी एक होटल बैठा, काफ़ी बड़ा होटल है, अच्छा है होटल। अभी यहाँ अभी सामान पूरा तितर बितर है यहाँ, अभी इसको थोड़ा लेआउट कर देंगे, इसके बाद सामान पैक करेंगे, इसके बाद निकलते हैं, तकरीबन 8 बजे निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट ले गोर। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था यार, मैंने एक अपना लोगों का एक फिगर बनाया, मैंने अपना यूट्यूब का है ना, लोगों का एक फिगर बनाया मैंने, अब लोगों को दिखाने के लिए मैंने भूल गया था, ये मैंने फिगर बनाया। अभी ये जितना भी स्पीकर है ना, जितना भी आप, मैं खरदुंगा हो गया, बेस कैम हो गया, और ये नूबरा साइड जितना भी पिलर्स मिलेगा, माइलस्टोन मिलेगा, तो ये सब मैं स्पीकर चुका दूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का चैनल है ये, ठीक है। मैंने स्पीकर बनाया, अच्छा बनाया, लॉयल्टी ब्रदरहुड रेस्पेक्ट 1959 सोलो फ्रेंडली ट्रेवलर, ये मेरा चैनल है। ओके चलो भाई, निकलता हूँ अभी, बंदा पूरा तैयार हो गया, ठीक है। चलो इस प्रकार से मेरा, ये मेरा गेटअप है, सेटअप है ये सब, मैंने गोप्रो यहाँ लगा दिया, आगे फुटेज मैं ले लूँगा, और ये जो थ्री क्या बोलते हैं गो थ्री इंस्टा 360 मैं ये माउंट पे लगा दूंगा, ठीक है। ये मेरा, ये करेगा काम आगे का, ठीक है। ओके भाई, अब निकलते हैं दराज, दराज से ही ब्यूटीफुल माउंटेन को छोड़ के हम जाएंगे सीधा। छू तो अधूर दो, टाइम कितना बज गया, 9 बज गया। ओके निकलते हैं भाई, 9 बज गया। बारिश है ना, आगे का दिखाई नहीं दे रहा व्यू, बाप रे। इतना तेज बारिश, बाप रे, वो भी पहुंचने वाला था, 5 किलोमीटर ही बचा हुआ था दराज पहुंचने के लिए। बैठे, अगर वेट करूंगा तो बैठने का जगह नहीं है, पूरा पहाड़ पहाड़ है। तो हम क्या करें, हम दोनों धीरे 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 करके निकल गया, इतना पूरा भीग गया यार कसम से। फिर बाद में जिस होटल में हम लोग बैठा था ना, उसी होटल में इन दोनों ने बैठा हुआ था, कमाल है यार। हम तो सोचे, वैसे तो हमारा कल का प्लानिंग था कि अगर बारिश नहीं गिरा तो हम करगिल तक जाना था, तो बीच रास्ते में बाप रे इतना बारिश, तो दराज में ही रुकना पड़ा, तो अच्छा हुआ जो भी हुआ, जो इन दोनों साथ में मिल गया। हर्षुभ लिया, हाँ देखो दो, इनका बाइक कवर रह गया, लेने जाना है। तकरीबन हो जाएगा
तकरीबन 1500 समथिंग का वो नंबर प्लेट है, पता नहीं यार वो मैग्नेट वाला है, मैग्नेट वाला नंबर प्लेट दुबई का, पता नहीं गुम हो गया है यार, सुबह देखा तो है नहीं यार, या तो रास्ते में ऑफ रोड आधे समय गिर गया होगा, मुझे ध्यान नहीं गया ना मेरा, आज सुबह ही पता चला, आज सुबह देखा तो चलो फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं कैफे जूनिपर, कैफे जूनिपर में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, काफी बढ़िया है। खलसी बोलने वाला एक जगह है, उधर में हम लंच कर लेंगे, तकरीबन यहाँ से खलसी 150 किलोमीटर होगा समथिंग, खलसी
थकता है ना आदमी थकता। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. चला है भाई वीडियो एडिटिंग करना। मैं जब भी वीडियो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, इससे पहले मैं ट्रेवल किया था, मैंने ना 5 कंट्री मैंने ट्रेवल किया था। इतना क्योंकि मोटो ब्लॉगिंग तरह नहीं था, मैं क्योंकि मैं सोलो करता था, सोलो राइड करता हूँ, सोलो जाता हूँ, और उसमें मैंने क्या बोलते हैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाता हूँ ऐसे इस अपना क्या बोलते हैं जैसे इलाका एरिया पहुँचते हैं एरिया का शूट लेता हूँ। तो इसमें क्या एडिटिंग के इतना ख़ास नहीं होता है। आपको अच्छा लगा जो आपका जगह अच्छा लगा इसको कैप्चर करो, अच्छा नहीं लगा तो इसको एडिटिंग करके काट दो। लेकिन बात आता है मोटो ब्लॉगिंग पे, मोटो ब्लॉगिंग भाई बहुत ही मुश्किल है भाई मोटो ब्लॉगिंग करना। मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं सोचा था कि इतना हार्ड नहीं होगा ट्रैवल करना, वीडियो शूट करना। और देखो मैं गोप्रो से ले रहा हूँ, लेकिन है ना गोप्रो का कोई सामान नहीं मिलता है, कोई सामान छूट, जैसे कि मेरा एक गोप्रो का एक स्क्रू वो गुम हो गया। तो अभी मैंने सोचा गोप्रो को यहाँ पे माउंट करो, सोचा यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ माउंट करने एक स्क्रू आता है वो गुम हो गया। अभी इसको है ना माउंट गोप्रो को माउंट हेलमेट के ऊपर लगाना पड़ा, तो सब कुछ देखना पड़ता है भाई साहब, आसान नहीं है। अभी इसके ऊपर आप खुद राइड करना, खुद चलना, फिर टाइम भी कवर करना है ना, टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो मैं GoPro से शूट ले रहा हूँ, अभी दोनों हाथ मेरा फ्री है, अभी एक हाथ मेरा दाहिने हाथ मेरा हैंडल ऊपर है और GoPro तो मैंने माउंट किया, लेकिन अब एक हाथ तो फ्री हो गया ना। इसको आप कैमरा को ऑन कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जब है ना अभी इसके ऊपर बंदा को देखना पड़ता है, बंदा पहले आगे निकल गया तो मैं बीच में रह गया, तो टाइम कवर नहीं हो पा रहा ना। अभी वीडियो शूट करने के लिए ऐसे ऐसे दबाऊंगा तो मेरे को टाइम लगता है, तो इतना टाइम पे वो निकल जाता है, तकरीबन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे निकल जाता है, तो मेरे को फिर टाइम कवर करना पड़ता, फिर भगाना पड़ता है ना। तो इसलिए मोटो ब्लॉगिंग इतना आसान नहीं है कसम से, ये चीज़ मैंने नोटिस किया था मैंने भाई, तकरी मुश्किल है, हाल मुश्किल है भाई। और मोटो ब्लॉगिंग के लिए पूरा सेटअप लेना पड़ता है, एक चीज़ आपको सेटअप लेना पड़ेगा, इसके बिना तो आप मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको बाइक चाहिए, मैंने आपको पहले बताया ये बाइक ऑफ रोड के लिए नहीं है, ये जस्ट लुक लाइक ए स्क्रैम्बलर, ये एक तरह का स्क्रैम्बलर है। चलो ठीक है, मैंने पूरा सेटअप तो ले लिया। अभी ये जो लद्दाख का ट्रिप जो है, मैं तकरीबन लद्दाख में बैठूंगा दो हफ्ता पूरा यूटिलाइज करूंगा, पूरा मज़े से लूंगा और पूरा लद्दाख को कवर कर लूँगा, एक कोना पूरा छान मारूंगा, पूरा आपको है ना पूरा वीडियो डाल लूँगा यूट्यूब पे,
जो भी बंदा नया देख रहे हो ना, जो भी बंदा देख रहा है मेरा वीडियो, तो सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक भी बनता है भाई। बहुत ही मुश्किल है वो मोटो ब्लॉगिंग करना। मैं भी जब पहले देखता था ना यूट्यूब का मोटो ब्लॉगिंग, वाह मज़ा ले रहा है। फिर आपको ना मौसम के ऊपर लड़ना पड़ता है, जैसे कि कल रात हमारा साथ हुआ था, बारिश गिरना और लैंड स्लाइडिंग आना, और पता नहीं अभी तो पता नहीं स्नो हो रहा नहीं हो रहा। देख अगर मैं सोचा कि खरदोला में स्नो हो रहा है, अभी स्नो में भी बाइक भी तो ना स्नो पे तो चलेगा नहीं, तो मैंने इसके लिए ये टायर मैंने ऑफ रोड लिया था मैंने। चलो देखते हैं फिर। खरदोला है ना, खरदोला जो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटो ट्रेवल ऑफ द वर्ल्ड है। ये बहुत ही टफ एरिया है क्योंकि है ना बर्फ़ है ना गिरते रहते हैं। चलो देखते हैं इस बार बर्फ़ गिरता नहीं गिरता। बर्फ़ गिर गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा टायर तो ऑफ रोड है, निकल जाएगा आराम से। पता नहीं इन लोगों को तो पता नहीं ऑफ रोड है कि नहीं है, मेरे को पता नहीं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। बीच में एक रास्ता, बीच में ये पड़ता है एक बुद्धिस्ट टेम्पल है लामा यूरू, काफ़ी फेमस है। शायद जाने का मौका मिला तो वीडियो में कैप्चर कर लूँगा, नहीं तो टाइम अगर टाइम कवर नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे ही नज़र आपको मंदिर का है ना बाहर आपका नज़ारा दिखा दूँगा, फिर हम निकलते हैं फिर लेके उधर, क्योंकि टाइम भी कवर करना पड़ता ना। वीडियो लामा यूरू का वीडियो बनाते बनाते रात हो जाएगा ले पहुँचने के लिए, तो आपको दूर से आपको दर्शन करा दूँगा लामा यूरू को। मोनेस्ट्री काफ़ी पुराना है, बहुत ही सुंदर भी है, काफ़ी पुराना है लामा। हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया था यार, जब भी हमने यहाँ से शुरू किया था ना राइड ले के लिए, राइडर्स एक भी नहीं मिला यार हमारा साथ जाने वाला है ना इंडियन, वो भी बोलो इंडियन वाला, एक भी राइडर्स नहीं मिला, क्योंकि सब ना नीचे से आ रहा था, ले से आ रहा था पूरा वापसी, उसी रोड से आ रहा जिस रोड से हम गया था, उसी रोड से काफ़ी सारा राइडर्स आ रहा था, क्योंकि है ना मनाली का रोड बंद था, तो इसलिए ज़्यादातर है ना उधर फंसा हुआ था ना जो टूरिस्ट वाला राइडर वाला बाइक राइडर पूरा इसी रोड से आ रहा था, करगिल जम्मू इसी रोड से आ रहा था। यहाँ से जाने वाला एक भी नहीं है, पूरा हम चार ही बंदा है राइडर्स। अभी यहाँ हम पहुँच गए मुलबेग में, पहुँच गए मुलबेग में, थोड़ा होल्ड किया क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर बुद्धा है यहाँ पे, ये काफ़ी मशहूर है, ये मैं आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। द फ्यूचर बुद्धा Yeah,
लामा यूरे रे ये बोलते ही थे बोला ना लेकिन लामा ही इधर आओ कहाँ से तो कुछ ले वो वाला पहाड़ दिखाई दे रहा ना कितना किलोमीटर है 5 किलोमीटर है नदी ला पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर ये है भाई नबी किला ला पहुंच गया भाई की सो सोल्हा गेलो ये बादल भी गरज रहा है भाई हम पहुंच गया भाई आई लव नबी किला कितना एटीट्यूड है जितना भी रोड बनाया ना इस पीआरओ ने बनाया है कहाँ लिखा भाई पीआरओ हाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया जूले जूले
ये कुछ इस प्रकार से बह गई है। अब थोड़ा थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, बादल भी गरज रहा है भाई। बंदा अभी अभी पहुंच गया यार, बंदा लैंडस्केप देख लो, लैंडस्केप
पहुंच गए लामा यूरू। ये सामने दिखाई दे रही है ये टेंपल, ये है लामा यूरू का टेंपल। लेकिन हम आपको यही से दिखाते थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, खाना खाना है। फिर यहाँ से अभी यहाँ से ले लामा यूरू से ले तक कितना 135 किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है लामा यूरू से, तो टाइम कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या आपको ये वाला आपको नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये बंदा पूरा यहाँ बैठा भाई, पूरा भूखा है, भूखा सांड है, पूरा भूखा आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ये है आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है ये सब। जुआम हो रहा है यार, लद्दाख में क्या लैंडस्केप बहुत ही क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल है यार लैंडस्केप लद्दाख का। लामा यूरू बहुत ही पुराना टेंपल है लामा यूरू, काफी टूरिस्ट आ रखा है, वैसे फॉरेनर भी है इंडियन टूरिस्ट भी है। ऐसा नजारा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगा सिर्फ लद्दाख में, ले लद्दाख में। कितना प्यारा मौसम है, विलेज लामा यूरू अल्टीट्यूड 118.93 फीट। ये गांव है, कितना प्यारा लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप बहुत प्यारा है, लद्दाख में यही फेमस है लैंडस्केप। See it through.